तो जब हमें मिलेगी अलग अलग मिलती है, ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है। इसे जब हम लगाते हैं तो यहाँ से लगाते हैं पीछे से गर्दन की साइड, अब इसमें जो बेनेट यूनिट है पीवी पैड में जोड़े, यहाँ पीछे खोल के राइट की साइड रेड रखो, राइट की साइड रेड और पीछे से पकड़ेंगे इसमें। सर एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले आप ये देख लो पिनें सीधी है कि नहीं, अगर जो पिन तिरछी होगी तो ये लगेगा नहीं, तो पिन सीधी है। अब रेड की साइड ब्लैक रखा, टक की आवाज आएगी, टक की आवाज नहीं आ रही ना तो समझ लो पिन सीधी नहीं है। निकालने के लिए यहाँ से पकड़ेंगे बल पे, ठीक है। इसे फिर हम बंद करेंगे, उसे ऑन करने से पहले इस नोब को हम ऐसे कर देंगे, उसे ऑन करने से पहले इसे ऑपरेटिंग मोड में कर देंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे इसे यूं। अच्छा अच्छा, यहाँ बंद है या घड़ी की दिशा में, ठीक है। फिर सेम ऐसे ही इसे करना है, खोलने के लिए इसे जो खोलना है हमें वो यहाँ से घुमाएंगे, इसे बंद करके लेना, वो भी बताऊंगा मैं। तो इसे जोड़ लिया, इसमें फिर ब्लैक की साइड ब्लैक, रेड की साइड रेड, पीछे से पकड़ा है और तब की आवाज आई है। निकालने के लिए हम यहाँ से पकड़ेंगे क्लिप को, लगाने के लिए यहाँ, ठीक है। लगा दिया, सही लगी। एक बार दोबारा निकाल के मैं दिखा देता हूँ, निकालते ऐसे हैं, लगाते हम ऐसे हैं, रेड की साइड रेड, पीछे से पकड़ के तब की आवाज आई, ठीक। और इसको कर देंगे बंद नहीं करेंगे, ठीक है सर। ये जुड़ गई है, इसे ऑन करने से पहले ये हमारा मिलेगा लॉक पोजीशन पे, ऑपरेटिंग में खड़ा लेगा, ठीक है। ऊपर को ये स्टार्ट है सीधा, सीधा पड़ा है तो बंद है, अब इसको कर देंगे, खड़ा पड़ा है वो तो सब जाने ही है। अब इसे हम कर देंगे ऑन, इसे ऑन कर देंगे तो यहाँ लाइट जलेगी, इसके अंदर लाइट जलेगी सर, आगे लाइट जल जाएगी, यहाँ इसमें लाइट और यहाँ लाइट जलेगी, यहाँ ये ब्लिंक चलेगा और इसमें पर्ची कट के गिरेंगी, जो इसकी डिस्प्ले विंडो है, ये पर्ची कट के गिरे, 7 पर्ची कट के गिरेंगी और वो पर्ची कट के जो गिरती हैं वो यहाँ इसके ड्रॉप बॉक्स में गिरती हैं, इधर वाले में, ये जो ड्रॉप बॉक्स है हाँ इसमें गिरती है, इसमें गिरती है सर ड्रॉप बॉक्स में, इस तरह से हम जोड़ते हैं।